हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विशाल ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको व्हाट्सएप के दो बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक बताने वाला हूँ, जिसमें कभी कभी क्या होता है, आप अपने दोस्त को कोई अपने फ़ोटो सेंड करते हैं तो उसको क्वालिटी बहुत ही घट जाती है, यानी कि फ़ोटो फटने लगता है। आप उसको जूम करते हैं तो आपका फ़ोटो क्लियर नहीं दिखता है। तो आज पहला तो मैं आपको ये बताऊँगा कि कैसे आप बिना अपना साइज कम किए और आप अपनी लो क्वालिटी, मतलब आपकी क्वालिटी बिल्कुल हाई जाएगी जैसे आपका फ़ोटो आपने क्लिक किया होगा। तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप उसको सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा जो ट्रिक है वो ये है कि कभी कभी आप अपने दोस्तों को कोई गेम या मोबाइल का सॉफ्टवेयर या फिर कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर सेंड करते हैं तो वो व्हाट्सएप से सेंड नहीं होता है। तो मैं आपको यही बताऊँगा कैसे आप उसको सेंड कर सकते हैं बहुत ही आराम से। दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक देखते रहिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको पूरी जानकारी दी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस रेड बटन पर क्लिक करने के बाद इसके बराबर में बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। तो दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और शुरुआत करता हूँ इसके लिए हमें क्या करना होगा। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप अपनी फ़ोटो सेंड कर सकते हैं बिना अपनी क्वालिटी घटाए। तो मैं अपना व्हाट्सएप ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, मेरा व्हाट्सएप ओपन हो चुका है। अब मैं आपको फ़ोटो सेंड करके दिखा देता हूँ कैसे आप बिना क्वालिटी अपनी घटाए फ़ोटो सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं किसी का भी एक कॉन्टेक्ट में से आपको सेंड करके दिखा देता हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे नीचे आपको ये जो निशान दिखता है इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करते हैं, इसके बाद आपको गैलरी में नहीं जाना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, आपको गैलरी में नहीं जाना है। आपको इसमें डॉक्यूमेंट लिखा दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ब्राउज अदर डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करना है इस जगह पर, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपनी वो फ़ोटो लेनी होगी, आपको अपनी लोकेशन में जाना है, जो भी आपकी फ़ोटो लेना चाहते हैं। तो मैं आपको ये वाली फ़ोटो सेंड करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपको सेंड पर क्लिक करना है, इसके बाद ये देखिएगा आपकी फ़ोटो यहाँ से सेंड हो चुकी है। तो दोस्तों, ये फ़ोटो का फॉर्मेट जो है आपको देखेंगे जैसे आपकी गैलरी में पड़ी होगी सेम वही होगी, इसमें बिल्कुल भी क्वालिटी आपकी नहीं घटेगी। आप यहाँ से जूम करके इसको देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हमने पहला ट्रिक बताया, अब मैं आपको जल्दी से दूसरा ट्रिक भी बता देता हूँ जिसमें आप अपने मोबाइल का कोई भी गेम या कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर वगैरह सेंड कर सकते हैं अपने दोस्त को, तो ठीक है। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के मेमोरी कार्ड में जाना होगा, जहाँ पर आपकी लोकेशन है, जहाँ पर भी आपने वो सॉफ्टवेयर वगैरह रख रखा है, ठीक है। तो मैं अपने मेमोरी कार्ड में जाके आपको दिखा देता हूँ उसमें क्या करना होगा। आपको बहुत ध्यान से सेटिंग को देखना है, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको ये दिखाई दे रहा होगा कॉलर नेम अनाउंसर, तो मैं इस वाले को अपने व्हाट्सएप अकाउंट पर भेज के आपको दिखा देता हूँ। तो आपको क्या करना होगा, इसको रीनेम करना होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, इस पर थोड़ी देर क्लिक करने के बाद यहाँ रीनेम लिखा दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद क्योंकि APK फाइल है तो इस पर लास्ट में आपको .apk लिखा दिखाई देगा। अगर कोई कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होता है तो उसमें आपको लास्ट में दिखेगा .est। तो क्या होगा, आपको ये लास्ट का जो पॉइंट होता है ये APK, आपको इसको कट करना है। इसके बाद इसमें आपको लिखना है .tht, ठीक है दोस्तों। आपकी कोई भी फाइल हो उसमें आपको डॉट के बाद .tht लिखना है। .tht लिखने के बाद आपको ओके कर देना है, ये आपकी फ़ाइल रीनेम हो चुकी है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये फ़ाइल किस तरीके से बनेगी। ये इस तरह से बनेगी, ये डॉक्यूमेंट्स की तरह हो गई है, ठीक है। अब हम अपने व्हाट्सएप पर चलते हैं। अब दोस्तों, हम अपने व्हाट्सएप पर आ गए हैं। अब आपको इसे कैसे सेंड करना है देखिएगा, यहाँ पर आपको फिर क्लिक करना है अटैच फाइल पर, इसके बाद आपको दोबारा डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करना है, ठीक है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स पर, ठीक है। इसके बाद आपकी फिर आपको उसी लोकेशन पर जाना है जहाँ पर आपने उस फाइल को रीनेम किया है। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, मेरी की मेमोरी कार्ड में था वो, तो APK आपकी जो भी लोकेशन हो। तो दोस्तों, हमारी फ़ाइल ये रही कॉलर नेम अनाउंसर .tht, ठीक है दोस्तों। तो आपको इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करने के बाद तो दोस्तों यहाँ पर आपको सेंड करना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ से फाइल आपके दोस्त के पास ट्रांसफ़र हो चुकी है। अब उसको आपके दोस्त को भी एक सेटिंग करनी होगी। क्या करना होगा, आपके दोस्त ने जिस लोकेशन में इस फाइल को सेव किया है उस लोकेशन पर जाना होगा। उसके बाद आपके दोस्त को भी यही सेटिंग करनी है जो मैंने आपको बताया है। आपके दोस्त को मतलब इसको रीनेम करना होगा। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये फाइल थी, इसको थोड़ी देर इस पर क्लिक करता है फिर इसको रीनेम करना है। तो यहाँ पर जो हमने लास्ट में .tht लगाया था उसको दोबारा से APK कर लेना है, APK। इसके बाद फाइल अपनी कंडीशन में आ जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉलर नेम अनाउंसर, ये फाइल आ चुकी है, मतलब कि सॉफ्टवेयर आपका ठीक हो चुका है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने दोस्त को अपना कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी कुछ भी अपनी एप्लीकेशन वगैरह भेज सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी जानकारी है, ये आपको आज से पहले पता नहीं होगी।
तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना भूलिएगा नहीं, और प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए जिससे हम आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।